दरअसल पुलिस ने सावजी भोजनालय के सामने से गाड़ी चुराने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। अब सावजी खाने की शौकीन है तो ये न्यूज आप जरूर देखें। शहर के एक व्यक्ति को इस शौक के कारण अपनी गाड़ी गंवानी पड़ी थी, मगर तहसील पुलिस की सतर्कता से उसे अपनी गाड़ी वापस भी मिल गई। अभी हम बताते हैं आपको इसकी पूरी कहानी। फिरियादी समीर शेट्टी 30 जुलाई को करवी चौक निवासी अपने मामा के यहाँ गया था। मामा के घर से लौटते हुए पाचपावली स्थित एक सावजी भोजनालय में भोजन का आस्वाद लेने गया। भोजनालय के सामने अपनी हीरो होंडा डियो गाड़ी हैंडल लॉक कर खड़ी कर दी। भोजन आस्वाद लेकर जब समीर बाहर आया तो उसे अपनी गाड़ी नहीं दिखी। पूछताछ करने पर कुछ नहीं मिला। आखिरकार समीर ने तहसील थाना में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही तहसील पुलिस अपने काम में जुट गई। 25 अगस्त को पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि सजा काट आए शुभम नानोटी नामक आरोपी, जो कि शातिर वाहन चोर, वो गोलीबार चौक पर होंडा डियो गाड़ी के साथ खड़ा है। पुलिस जानकारी मिलते ही गोलीबार चौक पर जाल बिछाकर शुभम को धर दबोचा और चोरी गई गाड़ी को जब्त कर लिया। फिरियादी समीर सुरेश शेट्टी उम्र 20 साल नंदनवन जगनाली चौक एक कुछ काम के लिए पीएस तहसील अंतर्गत पहली फटक बंगाली पंजाब आए थे। उन्होंने अपनी होंडा डियो गाड़ी MH49BP8206 गाड़ी वहाँ खड़ी करके कुछ काम करने गए। काम करके वापस आ रहे थे तो उस जगह पे गाड़ी नहीं थी। फिरियादी समीर शेट्टी के रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध क्रमांक 700/21 कलम 379 भादवी रजिस्टर किया था। हमारे मार्गदर्शन में हमारा पतक ASI ठाकुर, हेड कांस्टेबल दीक्षित, हेड कांस्टेबल संजय शाहू और कुशराम पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उनको नंदनवन झोपड़पट्टी निवासी शुभम अशोक नानोटे उम्र 22 साल जो एक पुराना क्रिमिनल है संशयास्पद स्थिति में मिला, उसको उसके वाहन के साथ पुलिस स्टेशन में लाए तो उसके ताबे में पुलिस स्टेशन तहसील में चोरी हुई गाड़ी होंडा डियो वाहन मिली, इसलिए उसको उस गुंडे में अटक करके गाड़ी को जब्त किए। आरोपी शुभम अशोक नानोटे उम्र 22 साल नंदनवन झोपड़पट्टी इसके ताबे से होंडा डियो वाहन 45,000 का जब्त करके उनको अटक किए। और अटक में पूछताछ किए तो आरोपी ने यह भी कबूल किया कि पुलिस स्टेशन तहसील में जो अपराध नंबर 604/21 कलम 379 के मुताबिक हीरो होंडा स्प्लेंडर गाड़ी चुरा के लेके गया था, वो भी उसने कबूल किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।